नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के पशुपालकों को दिया जा रहा है किसान क्रेडिट कार्ड। अब नए तरकीब से होगी अवैध बालू कारोबारियों पर कार्रवाई। बिहार में जुड़ेगी छोटी छोटी नदियां। बिहार सरकार ने छात्रवृत्ति के लिए जारी किए 3,110 करोड़ रुपए। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के पशुपालकों को दिया जा रहा है किसान क्रेडिट कार्ड। चालू वित्तीय वर्ष समाप्त होने में अब बस कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन बिहार में तय लक्ष्य का महज 1.5% पशुपालकों को ही केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड अब तक नहीं मिल सका है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद बैंक पशुपालकों का केसीसी बनाने में रुचि नहीं दिखा रहे। चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में 10 लाख पशुपालकों का केसीसी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अभी तक महज 1369 केसीसी ही बने हैं। यहां हम आपको केसीसी बनाने के लिए पूरी प्रक्रिया तो नहीं बता रहे, लेकिन जरूरी कागजातों की जानकारी आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जरूर मिल जाएगी। बिहार के स्कूलों में होगी इंटरनेट मीडिया की पढ़ाई। बिहार के सभी 38 जिलों में पंचायत स्तर पर स्थापित 9,360 उच्च माध्यमिक विद्यालय स्मार्ट बनने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने रोड मैप बनाकर तेजी से काम शुरू कर दिया है। खबर यही है कि राष्ट्रीय मानकों के आधार पर ये विद्यालय तैयार होंगे, जहां विद्यार्थियों को मॉडर्न लैब, ई लाइब्रेरी, ई बुक्स, वेब पोर्टल, ऐप और हाई स्पीड इंटरनेट जैसी सुविधाएं मुहैया होंगी। ग्लोबल एजुकेशन के दौर में बच्चे पीछे ना छूटे, इसे ध्यान में रखते हुए इंटरनेट मीडिया के बारे में बेसिक नॉलेज भी हासिल करेंगे। शिक्षा विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में स्मार्ट क्लास की अनिवार्यता तय की गई है। IIT के पेशेवरों के माध्यम से सभी प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को ई लाइब्रेरी, वेब पोर्टल, ऐप और इंटरनेट मीडिया संबंधी ऑनलाइन प्रशिक्षण मिलेगा, ताकि क्लासरूम में विद्यार्थियों को पढ़ाया जा सके। बिहार में मिले कोरोना के 500 से भी कम मामले। बिहार में कोरोना के मामलों में गिरावट जारी है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे के दौरान 496 मामलों की पुष्टि हुई है, जो इसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 3237 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 8, अरवल में 2, औरंगाबाद में 18, बांका में 3, बेगूसराय में 7, भागलपुर में 17, भोजपुर में 19, बक्सर में 3, दरभंगा में 8, ईस्ट चंपारण में 18, गया में 6, गोपालगंज में 4, जमुई में 9, जहानाबाद में 2, कैमूर में 8, कटिहार में 6, खगड़िया में 3, किशनगंज में 7, लखीसराय में 3, मधेपुरा में 73, मधुबनी में 10, मुंगेर में 9, मुजफ्फरपुर में 13, नालंदा में 1, नवादा में 3, पटना में 85, पूर्णिया में 10, रोहतास में 22, सहरसा में 16, समस्तीपुर में 13, सारण में 17, शेखपुरा में 8, शिवहर में 0, सीतामढ़ी में 10, सिवान में 1, सुपौल में 7, वैशाली में 10, वेस्ट चंपारण में 32 मामले की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 5 ऐसे मामले की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है जो दूसरे राज्य के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,47,621 सैंपल की जांच हुई। वहीं इस दौरान 645 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। अब नए तरकीब से होगी अवैध बालू कारोबारियों पर कार्रवाई। राज्य में बालू घाटों से अवैध खनन पर रोक नहीं लग रही है। हालांकि बिहार सरकार तमाम कोशिश जरूर कर रही है कि अवैध खनन पर रोक लगाई जा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। यही कारण है कि अब बिहार सरकार ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए अपने प्रयासों को शुरू कर दिया है, जिसके तहत ही अब विभाग ने स्पेशल ब्रांच की मदद से कुछ बड़े अवैध कारोबारियों के नाम जुटाकर इनके खिलाफ अभियान शुरू करने का निर्देश जिलों के अफसरों और पुलिस महकमे को दे दिया है। खान भूतत्व विभाग के आग्रह पर स्पेशल ब्रांच ने अवैध बालू कारोबारियों की एक सूची सौंपी है। सूची को अति गोपनीय रखते हुए कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। अब तय तारीख से पहले होगी बीपीएससी की LDC परीक्षा। बिहार लोक सेवा आयोग ने लोअर डिविजनल क्लर्क भर्ती 2021 की प्रारंभिक परीक्षा प्री ओपन कर दी है। अब ये भर्ती 27 फरवरी को नहीं होगी, बल्कि एक दिन पहले ही यानी कि 26 फरवरी 2022 को दोपहर 12 बजे से 2:15 बजे तक पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, सारण, नालंदा और भोजपुर जिला मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी। ज्ञात हो इसके अलावा बीपीएससी ने उन अभ्यर्थियों की लिस्ट भी जारी की है जिनके आवेदन अधिक या कम उम्र के चलते खारिज कर दिए गए हैं। उम्मीदवार खारिज किए जाने पर अभ्यर्थी संगत साक्ष्यों के साथ आपत्ति भी जता सकते हैं। इसके लिए उन्हें 15 फरवरी 2022 तक bpscpat-bih@nic.in पर ईमेल भेजना होगा। इसके बाद आपत्ति विचार नहीं किया जाएगा। माघ में सावन भादो की तरह हो रही है बारिश। बिहार में ठंड से लोगों को राहत भी नहीं मिली थी कि बीते 2 दिनों तक लोगों को खूब बारिश का सामना करना पड़ा, जिससे आम जनजीवन तो प्रभावित हुआ ही, साथ ही साथ किसानों को ओलावृष्टि के कारण भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। हालांकि बिहार वासियों को अभी ठंड से राहत तो मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसमविदों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव, बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और बिहार से गुजर रहे ट्रफ लाइन की वजह से पटना समेत लगभग पूरे बिहार
तेजी से मौसम बदला और इस दौरान कई जगहों पर भारी बारिश हुई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि 5 फरवरी को भी पटना समेत पूरे राज्य में कहीं कहीं बारिश, बिजली की चमक, बादलों की गरज के साथ बारिश का अलर्ट है। 5 फरवरी को किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, जबकि अगले 24 घंटे में मुजफ्फरपुर, खगड़िया, बेगूसराय और समस्तीपुर में ओला गिरने का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार में जुड़ेंगी छोटी छोटी नदियां। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में इस आशय में निर्देश दिया है। इस बाबत उन्होंने कहा है कि इसको लेकर व्यावहारिक आकलन करवाने की बात कही गई है। उन्होंने कहा है कि इसको लेकर व्यावहारिक आकलन कराएं, छोटी नदियों के आपस में जुड़ने में जल संरक्षित रहेगा और इससे सिंचाई कार्य भी उसमें काफी सुविधा होगी। नदियों में गाद की समस्या के संबंध में उन्होंने कहा कि गाद प्रबंधन के लिए काम करें, 7 निश्चय 2 के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए योजनाबद्ध ढंग से काम करने की बात भी कही गई है। जल संसाधन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी। फिर बढ़ी बीपीएससी 67वीं भर्ती में वैकेंसी। बीपीएससी 67वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने 67वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के तहत वैकेंसी की संख्या एक बार फिर से बढ़ा दी है। इस बार वैकेंसी की संख्या में 4 पदों का इजाफा किया गया है। इसमें बिहार मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अवर निबंधक, संयुक्त अवर निबंधक के 2 पदों और अधीक्षक मद्य निषेध के 2 पदों को शामिल किया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीपीएससी 67वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के तहत पदों की संख्या में 6वीं बार इजाफा किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही अब बीपीएससी 67वीं में रिक्त पदों की कुल संख्या बढ़कर 802 हो गई है। वहीं अब इस परीक्षा का आयोजन 30 अप्रैल को कराया जाएगा। हालांकि पहले इस परीक्षा का आयोजन 23 जनवरी 2022 को होना था, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था। वहीं अब इस परीक्षा का आयोजन अप्रैल महीने में किया जाएगा। तेजस्वी यादव को राजद अध्यक्ष बनाए जाने के सवाल पर लालू यादव ने दिया जवाब। आगामी 10 फरवरी को राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि लालू प्रसाद यादव अपने छोटे बेटे तेजस्वी को पार्टी की कमान सौंपने का मन बना रहे हैं। हालांकि इसको लेकर जहां एक तरफ तेज प्रताप ने इसे अफवाह बताया था, वहीं अब लालू प्रसाद यादव ने भी इस मुद्दे को लेकर बड़ी बात कही है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि वो मूर्ख लोग हैं जो इस तरह की न्यूज चलाते हैं, मूर्ख लोग हैं जो इस तरह की बात फैलाते हैं। क्या होगा वो आपको मालूम हो जाएगा ना। बता दें कि इससे पहले तेज प्रताप यादव ने इन खबरों को खारिज किया था। उन्होंने कहा था कि उनके पिता राष्ट्रीय अध्यक्ष है और वही रहेंगे। बिहार सरकार ने छात्रवृत्ति के लिए जारी किए 3,110 करोड़ रुपए। बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के छात्र को जल्द ही छात्रवृत्ति मिलने की संभावना जताई जा रही है। सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा राज्य योजना के तहत संबंधित छात्र छात्राओं के छात्रवृत्ति भुगतान के लिए 3,110 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। इससे प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति उनके बैंक खाते में जल्द ही भेजी जाएगी। राज्य के सरकारी विद्यालयों में उपलब्ध कराए गए नल का जल कनेक्शन और अन्य सुविधाओं से संबंधित सूचना मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर भी अपलोड होगी। इसके लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक श्रीकांत शास्त्री ने 7 फरवरी से 15 दिनों के अंदर अंदर सभी विद्यालयों से संबंधित सूचना को पोर्टल पर मुहैया कराने का आदेश भी सभी जिलों को दे दिया है। जल्द ही भागलपुर से देश के किसी भी कोने में जाना होगा आसान। केंद्र सरकार की 2 महत्वपूर्ण सड़क योजनाएं भागलपुर होकर ही गुजर रही हैं। एनएच अभियंताओं ने बताया है कि बिहार में भागलपुर पहला जिला होने वाला है जहां से 5 साल बाद करीब 6 एनएच गुजरेंगे। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में भागलपुर में गंगा नदी पर एक और 4-लेन पुल की योजना है। भागलपुर और साहिबगंज के बीच इस पुल का निर्माण किया जाएगा। करीब 120 किलोमीटर लंबी कहलगांव कुर्सेला फारबसगंज 4-लेन प्रस्तावित है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में भागलपुर को अंतर्राष्ट्रीय चेक पोस्ट जोगबनी से जोड़ने की तैयारी है। एनएच की कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार सिंह ने कहा है कि आने वाले दिनों में भागलपुर एनएच सड़कों का जंक्शन बन जाएगा। पटना छपरा 4-लेन पर भारी वाहनों के परिचालन पर रोक। पटना छपरा 4-लेन का निर्माण कार्य अभी जारी है, यही कारण है कि इस 4-लेन पर भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है, जिसकी जानकारी डीएम राजेश मीना ने दी है। उन्होंने बताया है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश के आलोक में पटना छपरा 4-लेन निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा बैठक के दौरान डीएम ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। 4-लेन निर्माण कार्य में विलंब को लेकर एनजीटी ने भी नाराजगी जाहिर की है। इसके बाद ही अब पटना से सिवान और सिवान से पटना गाड़ी गठा, सोन्हा, दरियापुर, परसा, शीतल
नागपुर होकर पटना जा सकेगी। इसको लेकर के बीते दिन ही बैठक बुलाई गई थी। इसी बैठक में एनजीटी के आदेशानुसार निर्माण कार्य में सुगमता के लिए पटना सिवान राष्ट्रीय उच्च पथ 85 से ही भारी वाहनों के परिचालन का निर्देश दे दिया गया है। आज से तेज प्रताप बेचेंगे चावल। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इन दिनों एक के बाद एक उद्योग स्थापित कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज से तेज प्रताप यादव चावल और अन्य खाद्य पदार्थ बेचने वाले हैं। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार आज उनके सरकारी आवास से इसकी शुरुआत हुई है। हाल ही में उन्होंने अगरबत्ती बेचने का भी काम शुरू किया था। मकसद यही है कि अपना उपजाओ, अपना खाओ और अपना कमाओ। कंपनी जिला स्तर और प्रखंड स्तर तक डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से चावल बेचेगी, साथ ही किसानों से सीधे चावल की खरीद होगी, जिससे उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। सचिन तेंदुलकर ने 1000वें वनडे के लिए टीम को दी शुभकामनाएं। रोहित शर्मा के नेतृत्व वाली टीम इंडिया अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार को खेले जाने वाले ऐतिहासिक मैच के शुरू होने का इंतजार कर रही है। इस मैच के साथ ही भारत 1000 वनडे मैच खेलने वाली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहली टीम बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसको लेकर ही मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने अपनी बात कही है, जिसके तहत उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि भारत का 1000वां वनडे खेलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहला वनडे 1974 में खेला गया था। यह केवल पिछले क्रिकेटरों, वर्तमान क्रिकेटरों, अतीत और वर्तमान बोर्ड के सदस्यों के कारण ही संभव हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण, लोगों को नहीं भूलना चाहिए हमारी भारतीय क्रिकेट टीम के शुभचिंतक पिछली पीढ़ियों से और जो आज हमारे साथ है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सिकंदर जी, गौतम कुमार, मनीष मोहरा, जूही सिंह, विनोद रॉय, सुशील कुमार, शुभम कुमार, भोला कुमार, मंजीत पांडे, गौतम कुमार, संजीव कुमार, कुश कुमार यादव, शिव कुमार पासवान, गजेंद्र सिंह, शालू मिश्रा, रोहित कुमार, प्रद्युम्न कुमार, सोनू समराज ऑफिशियल। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चों को फायदा मिल रहा है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।